क्या इंसानी पेशाब से सोना बनाया जा सकता है, तो आइए जानते हैं। एक बार एक सन की साइंटिस्ट ने इंसानी पेशाब से सोना बनाने के लिए कई हजारों लीटर पेशाब इकट्ठा कर लिया था और इस पे रिसर्च करने के बाद उस साइंटिस्ट को कुछ कमाल की चीज भी मिली थी। दरअसल सच्ची घटना है 1669 की, जब हैमबर्ग जर्मनी में हैनिक ब्रैंड नाम का एक आदमी सोना बनाने का तरीका खोज रहा था और सोना बनाने के लिए ही हैनिक ने अपने घर के बेसमेंट में 5700 लीटर पेशाब इकट्ठा कर लिया था। उसके बाद हैनिक ने उस पेशाब को उबालना शुरू किया, इससे जो पेशाब में मौजूद पानी था वो भाप बनकर उड़ गया और जो कुछ भी बचा था उसे हैनिक ने रेत पर गर्म करना शुरू कर दिया। और जब यह पूरा प्रोसेस खत्म हुआ तो हैनिक ब्रैंड को अंधेरे में चमकने वाली कोई सफेद सी चीज मिली, जो असल में सोना नहीं थी। लेकिन फिर भी इतनी चमकदार चीज को देखकर हैनिक ने सोचा शायद अब वो इसकी मदद से सोना भी बना ही लेगा, और उसने इसके बारे में किसी से भी जिक्र नहीं किया। लेकिन साल 1680 में रॉबर्ट बॉयल ने फास्फोरस की खोज की, तब हैनिक को पता चला कि हैनिक ने भी जो चीज बनाई है वो फास्फोरस ही है, और आज हैनिक ब्रैंड को हर कोई फास्फोरस की खोज करने वाला पहला साइंटिस्ट मानता है।